स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। अगर आपने भी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपकी परीक्षा 29 मार्च को होने वाली थी, लेकिन आपकी परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। सही सुना आपने, आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और यह आज आपकी न्यूज पेपर के माध्यम से बताई जा रही है। फिर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। यह जो है भरोसेमंद न्यूज है, फिर भी इसमें कुछ जो है डाउट है मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी डीएलएड की परीक्षा भी 28 मार्च को होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई है, तो आपकी बीएड की परीक्षा भी कैंसिल होने के चांसेस बहुत है। और यहाँ जिस न्यूज के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ उसकी माने तो आपकी परीक्षा जो है स्थगित हो गई है और इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको ऑफिशियली मिल भी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इस चैनल पर कोई भी फेक न्यूज अपलोड नहीं की जाती है, जो भी न्यूज होगा मैं आपको जो है प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको न्यूज पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ की न्यूज है, कैसे आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। चलिए यहाँ देखिए, आप तो बीएड की प्रवेश परीक्षा स्थगित, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य स्तरीय बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट अब 29 मार्च को नहीं लिया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अधिनियम के मुताबिक इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी जा चुकी है। मालूम हो कि प्रवेश परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन दिया जा चुका है। इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल बनाया गया था। नेट शेड्यूल को बारे में औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं की गई है। पुराने शेड्यूल के मुताबिक 29 मार्च को परीक्षा आयोजन के बाद 15 अप्रैल को परिणाम जो है जारी किया जाना था। उसके बाद काउंसलिंग के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉलेज आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल यही बात रही कि आपकी परीक्षा जो है कैंसिल कर दी गई है और यह जो है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। आप सभी तो जानते हैं कि हिंदुस्तान पेपर जो आता है वह भरोसेमंद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी माने तो आपकी परीक्षा स्थगित है, लेकिन अभी भी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। आपको याद होगा कि डीएलएड की परीक्षा जब कैंसिल हुई थी तो उसकी ऑफिशियली नोटिस आई थी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से चेक कर सकते हैं। डीएलएड की जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बताया गया था कि आपकी परीक्षा स्थगित की गई है, तो हो सके आपकी जो आपकी न्यूज प्रकाशित हुई है इसके बाद आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्लियर हो जाएगा। यानी आप मान के चले कल जो सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है, एयरफोर्स की एग्जाम होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है, यानी जो भी एग्जाम होने वाली थी सबको अभी रद्द कर दिया गया है। तो आपकी आप भी समझ सकते हैं कि ये भी आपका एग्जाम पोस्टपोन ही होगा और यहाँ पे न्यूज के माध्यम से बताया भी गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, न्यूज को दिखाता हूँ कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो यह न्यूज आपका छपरा से प्रकाशित हुआ आज, और किसी पेपर में नहीं था। मैंने मुजफ्फरपुर चेक किया है, मुजफ्फरपुर नहीं था, पटना भी चेक किया, पटना भी नहीं था, छपरा में यह न्यूज प्रकाशित है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे हिंदुस्तान ई पेपर डाउनलोड करके आप वहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर छपरा देख सकते हैं। छपरा का न्यूज पेज नंबर 6 पे आप जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 6 में आपका यह न्यूज प्रकाशित हुआ है। एक सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड्स, 6 या 8 है, एक सेकंड दिखा देता हूं मैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूं, देखिए हाँ पेज नंबर 8 में आपका, ठीक है, पेज नंबर आपका 8 में दिया हुआ है। वन सेकंड, पेज नंबर आप 6 पे आएंगे, सॉरी फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 में आपका देख सकते हैं, यह आज की है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पटना शुक्रवार, यहाँ से जो प्रकाशित हुई छपरा का न्यूज है, ठीक है। मैं जूम करके यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, वही न्यूज है, आप पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं। अगर आपके पास छपरा का अगर न्यूज पेपर हुआ तो, या आप ऑनलाइन के माध्यम से जाके भी देख सकते हैं। अगर इस न्यूज की बात माने तो आपकी परीक्षा जो है कैंसिल है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कभी भी जारी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि यह भरोसेमंद आपका न्यूज पेपर है। आपको भी पता है कि यह भरोसेमंद है और यह गलत खबर तो नहीं छापती है। फिर भी देखिए, आप थोड़ा सा सेटिस्फाई के लिए आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, ठीक है। आप जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एग्जाम जो कैंसिल होती है तो आपकी परीक्षा कब होने के चांस है। देखिए, अगर आपकी एग्जाम जो है कैंसिल होती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपकी परीक्षा कब होगी। हो सके आपकी परीक्षा 10 से 15 दिनों में हो जाए, लेकिन अभी जो भारत में कोरोना वायरस जो तेजी से बढ़ रहा है उसका जो शेड्यूल है, जो स्टेज अभी सेकेंड में है और खुदा न खास्ता अगर थर्ड में चला गया तो इसमें और परेशानी हो जाएगी, तो और भी आगे बंदी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो अगर आगे कोरोना वायरस का ज़्यादा असर नहीं रहा तो आपकी एग्जाम 10-15 दिन में ले ली जाएगी, नहीं तो आपकी 1 मंथ भी लग सकती है, 2 मंथ भी लग सकती है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आगे के लिए हम लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, जैसे ही आएगी मैं आप लोग को भी अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आप लोग पेशेंस बना के रखें। अभी आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि सर क्या यह स्थगित है। देखिए, जो भी बातें क्लियर थी मैंने आपको बता दिया, किस पेपर से आपकी प्रकाशित हुई है, कहाँ से हुई, आप चेक कर सकते हैं ना
क्योंकि ये चैनल आपका ऐसा नहीं है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। आप लोग अफवाहों से दूर रहें, आप बिलीफ के साथ रहें। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ सके, और लोग भी जानकारी हो जाए, और लोग भी अफवाहों से दूर रख सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।